हे गाइस, वेलकम टू चैनल ऑफ लाइट। सो लास्ट एपिसोड में हमारे पास इतने क्लूज जमा हो गए थे टाटियाना के बारे में कि हमें एक सिमुलेशन रन कर सकते थे। अच्छा, सिमुलेशन जो है ये अरियाडना करके एक डिवाइस है जो इगोर ने बनाया था काफ़ी पहले, जब वो मतलब एज ए साइंटिस्ट काम करता था, तो उसे यूज़ करके रन किया जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने ऐसे ही एक सिमुलेशन रन किया था, तो हमें थोड़ा सा पास्ट के बारे में पता चला कि टाटानिया के साथ क्या हुआ था। तो एक्चुअली हुआ ये था कि बोरिस करके उसका जो कोवर्कर था, उसने केजीबी वालों को ऐसा बोल दिया था कि ये स्टेट्स के जो भी सीक्रेट्स है ये एफबीआई वगैरह को लीक कर रही है, एंड उस वजह से इसको पकड़ के लेके चले गए। उसके बाद फिर आगे और क्या हुआ ये हमें पता नहीं चला। मुझे लग रहा है कि हमें और क्लू या समथिंग और चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी जिससे हम फिर वापस मतलब आगे का सिमुलेशन रन कर सकते। तो यही वो डिवाइस है जिससे हमने सिमुलेशन रन किया था। उसके अलावा हमने उसके बाद एक ओल्ड डॉक्यूमेंट्स करके एक मिशन किया था जिसमें केजीबी के कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढते हुए एनएआर के सोल्जर्स आए थे। तो हम उधर जाते हैं, एक्चुअली उधर तराकान ने एक ट्रैप लगा के रखा था। तराकान, आपको पता ना हो तो, वही बूढ़ा बंदा जो मतलब एक चूहे के टाइप का मास्क पहन के घूमता है, काफ़ी कुछ एपिसोड्स पहले उससे मिले थे। अच्छा, तो वो ट्रैप काइंड ऑफ एक आई थिंक बूबी ट्रैप जैसा था, बॉम्ब टाइप का, तो उसे हम डिसेबल करके वो क्लू निकाल लेते हैं वहाँ से। एंड उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होता है कि या तो हम ट्रैप वापस लगा दें या फिर ट्रैप को डिसेबल ही रखें। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि ट्रैप को डिसेबल रखें क्योंकि कोई सिविलियन है, कोई ऐसी है जिसे घूमते फिरते आ गया और मर भी सकता है, तो इसलिए वो नहीं लगाया। उसके बाद हम वापस आए, कुछ चीज़ें बनाई आई थिंक, या वो जो एक आपको टेबल दिख रहा है जो ग्रीन चमकता हुआ सा दिख रहा है स्टोव के बाजू में, तो उसमें ये मतलब फोर्स फील्ड वगैरह हम बना सकते हैं। मतलब अभी तक आपने फिजिकल आर्मर्स देखे होंगे, जैसे मैंने अभी पैर रखे टैक्टिकल आर्मर, अभी कुछ फोर्स फील्ड टाइप के आर्मर्स आते हैं जो बस हमें एक बेल्ट टाइप का होता है पहनना होता है, एंड फिर वो काइंड ऑफ एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर देता है, सारे बुलेट्स वगैरह रोकता है। ऑफकोर्स अनलिमिटेड नहीं होता है, उसमें भी एक बैटरी लगती है, अगर वो बैटरी खत्म हो गई तो वो इफेक्ट भी खत्म हो जाता है, तो वैसे ही है। बाकी उसमें हम एक और चीज़ बना सकते हैं, हाँ, जो हमें काइंड ऑफ इनविजिबल कर देगा, यानी कि हम एनिमी के बहुत एकदम पास चले जाएंगे तो शायद वो देख लेगा। मैंने अभी तक वो यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन आगे बना के यूज़ करेंगे। फिर हमने दो एंटी चर्नोब्लाइट बर्नर भी बना लिए, ये रहा ठीक है। तो दो एंटी चर्नोब्लाइट बर्नर, तीन लॉक पिक्स। तो हम अभी नेक्स्ट जो भी मिशन करने जा रहे हैं उधर कोई भी एंटी चर्नोब्लाइट के वॉल्स रहेंगे जो चर्नोब्लाइट से भरे हुए रहेंगे वो हम खोल सकते हैं। जैसे किसी ने कमेंट किया था कि एंटी चर्नोब्लाइट बर्नर बना लेना चाहिए था पहले ही, लेकिन ठीक है हमने लेट बनाया, तो अभी जो भी है। वैसे वो जो भी लूट है ना वो कहीं जाने नहीं वाली, एंड लोकेशंस आपको पता है कि पाँच छः लोकेशंस है, तो वो उधर ही रहेंगी। हमने थोड़ा लेट बनाया तो भी हम सारा लूट लेने से पहले गेम कंप्लीट नहीं करने वाले, वो सारे चर्नोब्लाइट वाले लूट लेंगे हम। तो दिन ख़त्म करते हैं, सो जाते हैं। नेक्स्ट आई थिंक डे टेन होने वाला है, एंड अभी हम विलेज में जाने वाले हैं, ओल्गा से मिलने। अच्छा, आई थिंक उसका नाम ओल्गा ही था, दो एपिसोड्स पहले उसने हमें कांटेक्ट किया था, बोला था कि आके मिलो विलेज में, क्योंकि You have to help me, Mousie. I am the only one who can defeat the Rat King. The junkyard in Kopachi. You hold the fate of the world in your hands. Please hurry. Okay, तो तराकान जिसके बारे में मैंने बताया था वही था। उसको वो पता नहीं कुछ माउस किंग करते रहते हैं और बोलते हैं कुछ माउस किंग उसके पीछे पड़ा है वगैरह, एंड उसको वही हरा सकते हैं माउस किंग कैसे वगैरह। तो अभी उसने हेल्प के लिए बोला है, तो मुझे लग रहा है एक और नया मिशन ऐड हो गया होगा। What is this? ये क्या है? Can't be real. What? No. No. What the hell? Igor, it's not the end. I won't let it end like this. Go. Die. Fade. Portal. Help. Die. Igor. क्या हुआ ये? चेर्नोबिल फैक्ट्री में कुछ एक्सप्लोजन टाइप का हुआ एंड सब मर गए क्या? चल क्या रहा इधर? डोंट बी अफ्रेड टू डाई, डेथ इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ प्रोग्रेस एंड कैन लेट यू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन विद अ नो वे आउट। हाउएवर इन द फ्यूचर डेथ विल बी पनिश्ड विद लॉस ऑफ रैंडम आइटम, सो यू वोंट ऑलवेज बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके,
तो अभी अगर आगे हम कभी मरे तो चीजें वगैरह गिर सकती है, वो तो मुझे पता था पहले से, बट ये ऐसा हुआ क्या? What is time, Igor? मुझे ये जानना है हुआ क्या एक्चुअली. Is it a straight line? An arrow fired at the dawn of creation, moving steadily towards infinity? A universal constant that cannot be altered? बेस तो हमारा पीछे है, आगे जाने की वापस बेस की तरफ जाना है. ये हमारा हाइड आउट है, ये मुझे लग नहीं रहा हम अंदर जा सकते. एक बार देखे, नहीं अंदर तो नहीं जा सक रहे. नोप. गन निकाल के रखते हाथ में, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी हुआ क्या एग्जैक्टली. अब ये इसको वहम या इल्यूशन है या फिर एक्चुअली में कुछ हो. मच मोर, अ फोर्थ डायमेंशन दैट कैन चेंज. उधर कुछ है. डाउन, स्पीडिंग अप, इवन समथिंग दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ कॉस्मिक. यू अराइव्ड एट योर बेस वाउंडेड एंड स्कार्ड, बट यू डिडंट नो द करेक्ट पासवर्ड फॉर ओलिविए. चेंज मेमोरी. Go ahead, Igor. Change the past. Hands where I can see them. What's the password? Oh, ye to purana wala hai. Say the password. Are yaar, teen channel light use ho rahe. Theek hai. Nostalgia. We don't have time for games, Olivier. Can't you tell it's me? You picked the password. Let's just stick to the rules, shall we? Come on in. अच्छा हम पास्ट में कैसे हैं, कुछ टाइम ट्रैवल वगैरह चल रहा है इधर. अच्छा चेंज एनी ऑफ योर डिसीजंस. ओके अच्छा, ऐसा एक सिस्टम गेम में था मुझे पता है, जो मतलब तुम्हें अपने जो भी डिसीजंस किए हैं, क्योंकि ये गेम एक आरपीजी है तो काफी क्रिटिकल डिसीजंस वगैरह है, तुम अपनी मेमोरी को चेंज कर सकते हो. तो ये बस एक ऐसे ट्यूटोरियल उन्होंने दिखाया जब ओलिविया ने पासवर्ड पूछा था एकदम सेकेंड एपिसोड के स्टार्ट में, तो हमने गलत पासवर्ड बताया था उसे सेकेंड एपिसोड के स्टार्ट में या फिर फर्स्ट के एंड में. बैक इन टाइम और व्हाट इट क्रिएट एन अल्टरनेट यूनिवर्स. दिस इज योर चांस टू रीथिंक द डिसीजंस यू हैव मेड, अ चांस टू रीशेप द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम रियलिटी, अ चांस टू अल्टर योर टाइमलाइन. ओके सो बेसिकली अगर हम हमारी इसको बदलेंगे चॉइसेस को तो आउटकम भी बदलेगा, जैसे वर्ल्ड रिएक्ट किया है. We can be together, Igor, but you have to learn the truth if you truly want to find me. Okay. Every crystal represents a memory you can alter. As the world was changing, your companions got to witness every choice you were making and develop new opinions about your actions. The changes in your companions stands towards you that you are not aware of and represented by yellow. Okay. Sashko asked you to destroy the Moscow Eye or make it work for you. Your choice was to make use of the PDA upgrade. अच्छा, तो या तो मुझे destroy कर सकते थे, नहीं तो upgrade करने. तो मैंने तो upgrade किया क्योंकि वो हमारे device का range बढ़ाता है. तो ये तो change करना है नहीं. और कौन से memories है? फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा मैंने ऐसा कोई गलत decision लिया. बस एक वो था कि जो मिकेल ने डिस्ट्रॉय करने को बोला था सर्वर, हमने वो डिस्ट्रॉय करने के बजाय ओलिवियर की बात सुनी थी. बट ओलिवियर के साथ भी हमारा तब स्टेटस खराब था, इसलिए मैंने ओलिवियर की बात सुनी थी एंड क्लू निकाला था. Terracon asked you to burn all of his notes. You did as he asked, but you gave up the chance to find more information about me. नहीं, वो भी मैंने सही किया. अच्छा मुझे लग नहीं रहा मैं कुछ बदलूंगा, फिर भी देख लेते क्या क्या अवेलेबल है. These events have not happened yet as the future is not predetermined. Come back later, Igor. Okay, ये future events है. कुछ मैं एग्जैक्टली ना पढ़ नहीं पाया, येलो क्रिस्टल एंड ब्लू क्रिस्टल का कुछ डिफरेंस है. These events have not happened yet as the future is not. तो ये सारे फ्यूचर इवेंट्स है. नहीं नहीं ये हो गया है, हो गया. ठीक है ठीक है. तो येलो और ब्लू का डेफिनेटली कुछ लेना देना है, लेकिन जिसके भी पीछे आपको ऐसा कुछ सीन दिख रहा है ना, जैसे अभी ये स्टोन के पीछे ये ऐसे बना हुआ है, तो वाला मतलब हो चुका है पास्ट में वो चीज़ है एंड हम चेंज कर सकते हैं. जैसे पिछले because of that fear, you decided not to rearm the traps.
नहीं तो ये तो कल वाले एपिसोड क्या ही है, ये क्या है? अच्छा ये वो मिकेल वाला जो मैंने बताया कि हम सर्वर को डिस्ट्रॉय करने के बजाय क्लू ले लेते हैं, वो सही है क्योंकि ये इसमें से जो क्लू मिलता है ना वही यूज करके हमने सिमुलेशन रन किया था। अगर मैं मेमोरी को अल्टर करता हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्या था? You saved Mikhail from poisonous gas. When you asked him, he gladly joined your team. या तो ये चेंज क्यों करना है, ये हमारे टीम में है बढ़िया। और कोई मेमोरीज आई है क्या? यहाँ पे कुछ जिक्र है। अच्छा ये शायद वो वाला बंदे जिसे हमने छोड़ दिया था जिंदा। आपको याद होंगे एक ट्रेटर के पीछे हम गए थे जो एनआरए को एनएआर को ट्रेट मतलब सामान चुरा के वहां से भागा था। The supplies, but someone else got there first. You let him take the food and leave. या तो हमारे पास ऑप्शन था कि इसको मारो या फिर ओलिवियर डज नॉट एग्री विद योर विद दिस डिसीजन। तो इस वजह से ओलिवियर का स्टेटस खराब हुआ था, बट अभी फिलहाल ओलिवियर का स्टेटस गुड है। फिलहाल ऐसे फालतू में मारने तो नहीं वाला क्योंकि चांसेस है कि वो आगे हमें कहीं पे मिले बंदा वापस, तो फिर ऑलवेज किसी को जिंदा छोड़ना ज़्यादा सही है। स्टोरी में कुछ ट्विस्ट्स वगैरह में आगे मिल सकते हैं, ये भी नहीं हुआ है अभी तक। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ओके यहाँ से निकलते हैं, बट हम यहाँ पे आएंगे कैसे वापस? या फिर गेम मुझे लग रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें अपने आप लेके आएगा कि तुम्हें कुछ बदलना है क्या, देख लो ऐसे करके। ओ हम हमारे रूम में आ गए। All of your timeline memories will be rewritten according to your current progress and the crystal changes you have made. Are you sure you want to? You are ready to wake up with the new reality? Okay. मैंने कुछ बदला ही नहीं तो क्या? Oh, ये कुछ काफी यूनिक है। ये एक सिस्टम की वजह से ना, ये जो अभी हमने देखा इस वजह से गेम आपको पूरा खेलना नहीं पड़ेगा अगर आपको दूसरे एंडिंग्स एंड दूसरे आउटकम्स वगैरह देखने हो कि अगर मैं ये करता एक्स वाई जेड करता तो मेरा ये जो कैरेक्टर है ये कैसे रिएक्ट करता। तो ये काफी कूल है। बस आपको सेव फाइल्स रखने होंगे लोड में एंड फिर वहां से लोड करके आराम से रियलिटी चेंज कर सकते हो अपना। फिलहाल तो मुझे लग रहा है हमने जितने भी डिसीजन लिए हैं ये तो स्किप करते हैं। ओके सेम वो तरकान था। ओके ये एक्चुअली में ब्लास्ट हुआ था या मुझे लग रहा है ये एक्चुअली में ब्लास्ट हुआ था एंड समहाउ वो जो भी हम स्पेस डायमेंशन में गए थे वहां पे रियलिटी चेंज होके हम वापस आ गए, बट इस बार ये ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहा? क्या और कोई भी है जो ऐसे टाइमलाइन को चेंज कर सकते हैं हमारे अलावा? मे बी टाटियाना, लेकिन वो जिंदा है कि भी नहीं ये भी पता नहीं। हो सकता है उसने चेंज किया हो कुछ क्योंकि अभी तो ब्लास्ट हो नहीं रहा, नहीं तो देखा जाए तो ब्लास्ट होना चाहिए था अभी वापस, ब्लास्ट हुआ नहीं। बट ठीक है हम चलो मिशंस की तरफ बढ़ते। ओके तो कोपाची वाला ये तरकान वाला है क्या? आई मस्ट हैव अर्न तरकान्स ट्रस्ट। ओके तो तरकान वाला भी नहीं करेंगे ये, अभी सबसे पहले ये वाला करने वाले हम, रेड फॉरेस्ट वाला। ओल्गा ने हमें बुलाया एक विलेज में मिलने के लिए। उसके बाद के एपिसोड में हम प्रिपेयर्ड पोर्ट वाला करेंगे। जब मिकेल ने बताया था कि उसका कोई फ्रेंड है नहीं, मैं सोच रहा हूँ इससे पहले तरकान वाला किया जाए क्योंकि मुझे तरकान तो 100% लग रहा है एक कंपेनियन होगा हमारा क्योंकि हम ऑलरेडी दो मिशन कर चुके हैं एंड आई मस्ट हैव अर्न तरकान्स ट्रस्ट ऐसा लिखा हुआ है। देन एनएआर इज ऑन द टॉल एंड आई एम द ओनली वन हु कैन हेल्प हिम इफ आई कम टू हिज एड परहैप्स ही विल रिटर्न द फेवर। या तो मैं आज के एपिसोड में ये वाला करने वाला हूँ, मतलब एपिसोड पता नहीं एक या दो लग सकते लेकिन अभी डे 10 चल रहा है तो डे 10 में रेड फॉरेस्ट करने वाले हम, डे 11 में कोपाची वाला करेंगे जिसमें तरकान को बचाने जाने, फिर उसके बाद प्रिपेयर्ड पोर्ट पे जाएंगे। तो ये एक और पे लगा लेते हैं 80%। ठीक है ले तू 80%। ओके बढ़िया, इन दोनों के 80% है तो मेरे ख्याल से ये दोनों फेल तो नहीं होने चाहिए। ये फूड सप्लाईज एंड ये मेडिकल सप्लाईज, बहुत बढ़िया। सो लेट्स स्टार्ट। दिस वुमन ओल्गा, शी सीम्स टू बी रनिंग द शो, मस्ट बी टफ एज नेल्स। And all these Samo shields, they say it takes a village to raise a child, but how many does it take to find a lost love? Okay, तो ये विलेज में कुछ विलेजेस है जो चेर्नोबिल के एक्सीडेंट के पहले से रह रहे एंड कुछ नए लोग हैं जो वो एक्सीडेंट वगैरह होने के कुछ साल बाद यहाँ पे मूव इन किए।
ये सारे लोगों को मिलके बनाया हुआ है ये विलेज, हमें अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से। एंड ये एरिया में हम काफ़ी रेड फॉरेस्ट में आए हैं क्या पहले कभी? ओह मैंने गलती से स्किल्स खोल दिया, आप देख सकते हो स्किल्स हमने कौन कौन से अनलॉक किए। मिकेल के स्किल्स मेनली वो वाले थे जो मतलब सप्लाईज हमारे हम एक्स्ट्रा कलेक्ट कर सकते हैं 15%, 30%, इसके थोड़े से अटैक एंड स्ट्रेल्थ वगैरह से रिलेटेड थे। अब ये तीन लोग और पता नहीं कौन है, तो टोटल हम 5 कंपेनियंस रख सकते हैं इतना श्योर है। नहीं यहाँ पे हम आए नहीं हैं जहाँ तक मुझे याद है, रेड फॉरेस्ट मुझे याद नहीं यहाँ पे आए हो, शायद देखा थे पर काफ़ी पहले आए हो, लेकिन मुझे ये वाला ऐसा कोई लोकेशन याद नहीं है। एक रैंडम इवेंट, 2, 3, 4, 5, 6 रैंडम इवेंट एंड ये प्रॉबेबली विलेज है, पूरा बाउंड्री दिख रही है, तो पक्का दो एपिसोड तो एटलीस्ट लगेंगे क्योंकि हम ऑब्वियसली एक नए लोकेशन पे आए हैं, तो सब कुछ करते हुए आगे बढ़ेंगे अनलेस कि कुछ और हो जाए, जैसे मॉन्स्टर आ गए ज़्यादा या फिर ज़्यादा सोल्जर्स वगैरह आ गए, तो फिर हमें रूट चेंज करना पड़ सकता है। ओके आसपास कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ, दैट सॉर्ड एटलीस्ट कुछ तो मिलना चाहिए था इधर। ओके सबसे पहला वाला 50 मीटर्स पे, सामने ही कुछ आइटम्स है, पीछे की तरफ कुछ भी नहीं। अबे नहीं 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 नहीं, ये बाहर कैसे घूम रहे हैं भाई? क्या था ये? ये पहली बार देखा कि ये ऐसे बाहर रोशनी में घूम रहे हैं। Join me, Igor. I can see you. यही है वो जो रैंडम इवेंट था। इसको बचा, यहाँ पे कहीं पे चर्न ऑफ लाइट पड़ा होगा पक्का। मेरे हिसाब से डेड स्टक इन चेर्नोबिलाइट क्रिस्टल्स क्रश्ड सफोकेटेड, मेरे हिसाब से इधर कहीं पे एक चेर्नोबिलाइट होना चाहिए जो हम उठाएंगे तो एक क्रिस्टल गायब होगा शायद, बट क्वेश्चन मार्क एक्चुअली हट चुका है तो मुझे लग नहीं रहा इधर है। एक और बार डिवाइस ट्रिगर करके देखते हैं, होगा तो टैग हो जाता है। नहीं हमने सारी चेर्नोबिलाइट के क्रिस्टल्स देख लिए, कहीं पे दिख नहीं रहा मुझे। नहीं तेरे पे तो नहीं लगा हुआ है ना? नहीं है, ठीक है। तो बस ये रैंडम इवेंट ही था, यही था कि जो भी एनएआर के सोल्जर्स हैं ये सब मरे पड़े। आई थिंक ये जो छोटा सा हादसा हुआ है इधर, ये हमें ये दिखा रहे हैं कि जो भी चेर्नोबिलाइट की वजह से जो भी इफेक्ट्स पड़ रहे हैं एनवायरमेंट में वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। एंड अब ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये बाहर भी घूमने लग गए। एक्चुअली ये पहले ना हमें बस अंदर की तरफ मिलते थे, बाहर ऐसे खुले में नहीं घूमते थे ये। उस तरफ कुछ काफ़ी ज़्यादा ग्रीन ग्रीन है एक्चुअली ना, विलेज भी उसी तरफ है। ठीक है souls ended up in pits like these. Primitive armor villa. Them Igor. A skull with a bullet hole in the back of it. तो पीछे की तरफ एक लूट है, उस तरफ हम बाद में जाएंगे तो ले लेंगे। विलेज हमारा उस तरफ है, ठीक है। तो एक रैंडम इवेंट था वो, जो सारे सोल्जर्स अटके हुए थे जहाँ पे हमने एक चेर्नोबिलाइट मॉन्स्टर को मारा,
मुझे लग रहा है चर्नोब्लाइट मॉन्स्टर ज्यादा टफ होते जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला काफी तेज था, काफी जल्दी चढ़ गया हम पे आके। मैंने आर्मर पहना था तो कुछ डैमेज हुआ नहीं। दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क था, प्रॉबेबली वो जो एक सूटकेस के अंदर हमने से एक आर्मर उठाया, प्रिविटिव आर्मर, वही था आर्मर से ही हम मिकेल को पकड़ा देंगे। बस मुझे ये लग रहा है कि मेरा इन्वेंट्री जल्दी ना भर जाए। अब लेफ्ट की तरफ चलते हैं, 1, 2, 3 फिर ये 4, फिर सीधा विलेज में घुस जाएंगे। ओके, अरे यार लॉल, मैंने इनको देखा ही नहीं। ये किसी को पकड़ के रखा है क्या इन्होंने? या किसी को पकड़ के रखा था, मुझे लग रहा है ये वो विलेज का बंदा होगा। Thanks. I guess I never expected a stalker to come to my aid. Okay. It's a long shot, but maybe he knows something. Ask for a reward. Nah. Ask why the NAR wants him dead. Ask about night. Ye pushte. What was this all about? Instead of helping these butchers round up civilians and shoot them, I ran. I couldn't leave the zone because of the perimeter, so I started a little trading operation to get by. Well, it didn't take long before my old NAR squad mates found me. Grisha, he... Achha. We used to be friends. We were close. But he couldn't forgive me for abandoning them. I think he was especially bitter about it because he was ashamed. I left, and he stayed. And did what he did. I killed our friendship, so Grisha volunteered to kill me. Okay. ये सच बोल रहा है कि नहीं ये नहीं पता, बट ये पहले NAR में हुआ करता था एंड बाद में इसने ये सब छोड़ा, क्योंकि NAR आपको पता है सिविलियंस वगैरह को मारती है अगर वो उनकी बात ना माने, तो ये छोड़ के इधर उसने कुछ चालू किया अपना, लेकिन ये लोग वापस आए इसको मारने के लिए। ठीक है, एक्चुअली ना ये हमारा वो बंदा हो सकता है जो हमें NAR के अंदर घुसने में मदद करे, चर्नोबिल फैक्ट्री के अंदर। आपने आपको पता होगा जहाँ पे हम वो मिशन देखते हैं, बाइनोकुलर्स इधर रखे, उसी के बाजू में एक बड़ा सा बोर्ड बना हुआ है जिसमें लिखे हुए हैं कि हमें ये कैरेक्टर्स चाहिए ताकि हम फाइनल मेन मिशन जो है गेम का ये पुल ऑफ कर सके, वापस फैक्ट्री में जो घुसना है हमें। तो उसमें लिखा हुआ था हमें एक बंदा चाहिए जो NAR के सोल्जर की एक्टिंग कर सकता है, मे बी ये बंदा हो वो, देखते हैं हमें आगे वापस मिलता है क्या। ये कहीं पर पक्का मिलेगा, आई थिंक ये एक इवेंट था, या ये ही एक इवेंट था, और दो इवेंट्स बचे और एक ये। ओ, काफी सारे लूट है इधर, अभी सब कुछ मिस हो जाता। एक्चुअली थोड़ी बहुत लूट इधर उधर है ना जो बहुत काफी दूर होती है, मैं कभी कभी उसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो एक आधा सामान होता है बहुत दूर जाना पड़ता है। एंड ऐसा कोई भी सर्वाइवल गेम में ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप 100% लूट कलेक्ट करो, आपको बस इतना कलेक्ट करना होता है कि आपका काम चल जाए ना। आप अभी अगर 100% कम्प्लीशन इस जैसा कलेक्ट करने बैठोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि पता नहीं किधर किधर लूट पड़ा होगा। उस तरफ रेडिएशन ज्यादा है। ओके, हमें उधर जाना नहीं है। यहाँ पे कहीं पे यार भरा हुआ है लॉल, ये ही पूरा भरा हुआ है, बहुत बढ़िया। ये अलमारी किधर है भाई? जमीन के नीचे कुछ बॉक्सेस है, आई होप कि यहां से अंदर जाने का रास्ता हो। एक लॉक यूज हो गया, यहां पे इतना ज्यादा क्यों है रेडिएशन? उस तरफ आपने नोटिस किया कार के पास में, इधर 40 चले गया था रेडिएशन, आप देख सकते हैं मेरी लाइफ थोड़ी सी गिर गई। एक्चुअली ना ये जो डिवाइस मैंने हाथ में निकाल के रखा है, इसके अलावा और हम ऐसे बता नहीं सकते कि इधर बहुत रेडिएशन है। अभी अगर मेरे हाथ में ये नहीं रहता तो मैं देखता मेरी लाइफ कम हो रही है, उसी से पता चलता है कि बहुत रेडिएशन है।
and ask about Tatiana. Okay, clue hai. Operation Ghost World, General Kozlov. ये मिलेगा कैसे बट ये जनरल से ये बोला perhaps I should meet with him. Just stay inside, okay? You sure? I can't take this tension anymore. Maybe we should. You want to face that monster? Huh? Go ahead, but I'm bolting this door behind you. No fucking way. Then shut your fucking face and stay put. Shh, I hear something. ये हमें डायलॉग्स किसके आए थे? डायलॉग्स कहाँ से आए हमें? ये दरवाजा खुलने ही वाला, कहीं और से लेना पड़ेगा वो लूट. मुझे लग रहा है ये जो डायलॉग्स है ना, जो हमें बीच बीच में यूजुअली टाटियाना के डायलॉग्स आते हैं, लेकिन कभी कभी किसी और के भी आ जाते हैं. तो चांसेस है कि जो लोग चर्नोब्लाइट से अफेक्टेड है वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा हमें बताया था. तो हो सकता उस वजह से हो, या फिर सिंपली ये घर के पीछे सोल्जर्स खड़े रह के बात कर रहे हो, बट मुझे कोई दिख तो नहीं रहा. हो सकता है यहाँ पे खड़े रह के बात कर रहा था कोई, बट यहाँ पे कोई है नहीं. सो आई एज्यूम कि वो जो चर्नोब्लाइट के पावर्स की वजह से ही हो रहा था. हमने जो क्लू उठाया मे बी वो क्लू मतलब पहले जिसके हाथ में था वो भी चर्नोब्लाइट से अफेक्टेड था, एंड उस वजह से हमारे बीच में कनेक्शन बना वो, क्योंकि हमारे क्लू वो जो पेपर का टुकड़ा था वो उठाने के बाद ही ये हादसा हुआ, आपने नोटिस किया होगा. तो पीछे एक लूट है जो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं लेना कैसे, क्योंकि ज़मीन के नीचे, एंड वहाँ पे कहीं पे ज़मीन के नीचे आने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था. यहाँ पे तो तार बंद के रखा है, पूरा बंद है इधर. यहाँ पे कहीं पे एक बार देख लेते हैं, अंडरग्राउंड जाने का रास्ता है क्या? नहीं, ये तार बांध के रखा है तो उस तरफ हम निकल नहीं सकते. चलो छोड़ो उसे, वहाँ पे जो रैंडम इवेंट या ये घर पे था वो तो वही था, वो जो क्लू हमने उठाया. अभी बस एक वचल स्ट्रेट एंड फिर एक एकदम मैप के विलेज के पास ये वाला. ओह शिट, विजन. I can't shoot a dog. I just can't. Look, it isn't easy. I get it. But these animals will die anyways. And in the meantime, they're spreading radiation everywhere. It's a mercy. I can't believe this whole fucking disaster. Someone screwed up. Bad. They should have to answer for it. Let the party leaders handle all of that. We've got our own job to do. Okay. So ye jo vision aayi hai na hame, ye bhi Chernobylite ki wajah se hi aa rahi hai. Ye sab Chernobylite ke effects hi hai. To starting mein mujhe lagta tha illusions wagaira hai, but nahi. Kuch cheeze lekin abhi bhi kafi ajeeb si hoti hai jo hum explain nahi kar sakte, jaise ki abhi wo time travel wali cheez humne episode ke start mein dekha. तो उन सब का कोई आइडिया नहीं है. पीछे एक लूट छोड़ दी मैंने. केमिकल्स अभी सबसे कम ही उसी की पड़ रही है, केमिकल्स की. अरे अटक गया. अच्छा वही था क्या दूसरा? अरे ओके, ये जो विजन हमें आया था ना वही था दूसरा रैंडम इवेंट. तो बस ये एक बचा है, उसके बाद हम विलेज पे जा सकते हैं. मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा लूट वूट ले लिया जाए. ये तो बहुत ही नीचे, ये क्या टैग हुआ है आप देख रहे हो? एकदम छोटा सा, दो फूड राशन है, देख के तो समझ में आ रहा है वो ब्रेड के शेप में, बट वो लेंगे कैसे हम? कोई तो अंडरग्राउंड जाने का रास्ता होना चाहिए. देख सकते हो काफी ज्यादा नीचे लग रहा है. केमिकल्स बहुत बढ़िया. एक्चुअली वो जो दो मैंने अपग्रेड्स किए हैं ना, ज्यादा एक्स्ट्रा 15% 30% सामान ज्यादा लेने के, काफी यूजफुल हो रहा है.
ओके आई थिंक वो कौन सी लोकेशन है जो सामने दिख रही है, शायद वो मॉस्को आई का लोकेशन है, क्योंकि आपको पता होगा रेड फोर्ट जस्ट मॉस्को आई के सामने की तरफ है, मॉस्को आई एकदम मैप के पीछे का हिस्सा है, शायद वो मॉस्को आई का लोकेशन है। वही लोकेशन पे ऐसे एकदम बड़ा सा एंटीनास टाइप के बने होते हैं, टावर्स टाइप के, मुझे लग रहा है वो मॉस्को आई है, क्योंकि हम काइंड ऑफ ये एरिया के बाउंड्री पे आ चुके हैं, ये तार हम क्रॉस नहीं कर सकते। ओ काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती अभी इधर, ये वाले लोकेशन पे हम पहले आए नहीं है, नहीं तो इतना अबैंडेंड लूट नहीं मिलता हमें हर जगह पे। हम जो भी लोकेशन पे एक बार जा चुके होते हैं ना, उधर काफ़ी लूट नहीं होता जैसा हमें इधर मिल रहा है, कहीं पर भी मैं दबाऊँ लूट ही लूट मिल रहा है। इस तरफ जाना है, ठीक है 180 मीटर्स मैप पे एक्चुअली देखने में बहुत दूर लगता है, लेकिन ये उतना दूर होता नहीं है। ओए ओए दूर, चार शॉटगन की गोली खा गया भैया मेरी, ये अभी बाहर भी आने लग गए मॉन्स्टर्स। गोली है ठीक है, एक सेकंड, मुझे ये देखना है। टुमरो फॉलोइंग डे ब्लैक स्टैकर इज डिलेड बाय सेवरल मिनट्स एफएक्स स्टैकअप। अच्छा इलेक्ट्रिक पार्ट्स सारे घर पे छोड़ के आए हो, अगर मेरे पास चार इलेक्ट्रिक पार्ट होते ये बना देता तो इससे होता ही है कि जो नंबर ऑफ वर्म होल्स है वो कम होते हैं, एंड ये जो मॉन्स्टर्स अभी खुले में घूमते हुए मिल रहे हैं ना ये नहीं मिलेंगे ऐसे, क्योंकि ह्यूमन से ज़्यादा खतरनाक ये मॉन्स्टर्स है। जो सोल्जर्स वगैरह हैं ये इतने खतरनाक नहीं है, क्योंकि हम स्टेल्थ वगैरह करके उनको मार सकते हैं, बट ये मॉन्स्टर्स कहीं पे भी वो हमें पहले डिटेक्ट कर लेते हैं। कुछ बार तो ऐसा हुआ कि हमें वो ना दिखे, वो हमें पहले उन्हें पहले पता चल जाएगी हम उनके पास पास है, बट वो हमें नहीं दिखेंगे। विलेज 162 मीटर्स, या ये एरिया में डेफिनेटली नहीं आया हूँ, कुछ ट्रेन की बोगी वगैरह पड़ी हुई है उधर, ट्रक वगैरह पड़ी हुई है, यहाँ पे आए नहीं हूँ पहले मैं, इतना शोर हूँ। रेड फॉरेस्ट है ये एरिया का नाम। Because you forgot to top off the radiator with water, dumbass. That's where the fucking engine overheated. Come again? No, fuck you. You're the one who's supposed to top it off. That's your job. It's your fucking fault. Oh, really? You're such a good driver, are you, huh? Good. Then for fuck's sake, drive here and pick me up. Christ! किससे लड़ रहा है ये? रेडियो पे किसी से बात कर रहा था कि इसके आसपास कोई खड़ा है? ये किसी और से बोला कि ड्राइव हियर एंड पिक मी अप, सो आई एम अज्यूमिंग कि वो रेडियो पे किसी से बात कर रहा था, तो चांसेस है कि इधर कोई आने वाला हो। ओके पीछे लूट, अरे यार ये इस चीज की मैं बात कर रहा था, हमने एक एक्स्ट्रा आर्मर उठाया ना, इन्वेंटरी भर गई मेरी, मैं बुलेट्स नहीं उठा सकता, और कुछ इन्वेंट्री में ऐसा है भी नहीं कि जो मैं फेंकना चाहूँगा। दो शॉटगन के बुलेट्स, पिस्टल के एमो बहुत ज़्यादा है, मे भी ये निकाल के फेंक देते हैं। ओके अभी कुछ और इम्पोर्टेंट मिला तो एक पिस्टल का बॉक्स फेंक देंगे। ऐसा एमो मैंने इतना उठाया, मुझे एक भी बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है एमो, घर हमारे बेस पे मैंने एमो ना ही एमो बनाया है एंड ना ही कभी गन बनाई है। केमिकल्स लेट्स गो, अच्छा वही था रैंडम इवेंट, वो जो एक बंदा था, तो एक्चुअली हमने सारे रैंडम इवेंट्स कंप्लीट कर दिया, अब बस विलेज तक जाना बचा है। एक्चुअली काफ़ी जल्दी जल्दी हो गया आज का एपिसोड में, चलो जाके ओल्गा से मिलते हैं, फिर रास्ते में जो भी लूट मिल रहा है सब उठा लेंगे। तो उधर कुछ काफ़ी बड़ा है, आई होप कि उसमें ऐसे सामान हो जो मेरी इन्वेंट्री में ऑलरेडी है तो मैं उठा सकता हूँ, कुछ अगर नया होगा तो दिक्कत हो सकती है।
इसका फ्रेंड है। वो पूरे आर्मर आर्मर में था भाई ये, शायद एक और है, एक और है, एक और है भाई 100%। क्या नहीं उठाया, चाहे एमो नहीं उठाया। Shit! Okay, ये मारा नहीं है ये वाला। तो देखा जाए तो सोल्जर्स भी खतरनाक हो गए। ये नॉर्मल वाले नया सोल्जर्स नहीं थे, आपने नोटिस किया हो तो। ओके, थोड़ा सा सामान यूज करते हैं। बढ़िया, लाइफ वगैरह भी फुल हो गई एंड मेरे पास जगह भी बन गई। इसकी गन गन चमकी ना इसकी, लॉल पता नहीं, ये अलग गन्स थी इनके पास, मुझे वो AK-47 जैसी लग नहीं रही थी, थोड़ी अलग लग रही थी। यार अभी हील किया ही था, वापस रेडिएशन लग गया। ओके, विलेज में चलते हैं। विलेज की एंट्री इधर ही है, वहाँ पे दूर कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं। मुझे लग नहीं रहा ये गैस के अंदर ये पहनना पड़ेगा। ओ, आपने नोटिस किया ये मेरा, जब मास्क हम पहन के गए थे मिकेल को बचाने, तब इस पे क्रैक आया था एंड अभी भी क्रैक है। मुझे लगा था मे बी बस वो मिशन के लिए था, लेकिन इन्होंने ध्यान दिया डिटेल पे, क्योंकि अगर आप कोई नया वाला मास्क लगाएंगे जो मैंने बाद में बनाए हुए, उस पर आपको क्रैक नहीं मिलेगा, बस ये पर्टिकुलर मास्क में मिलेगा जो मैंने ये मिशन में लगाया हुआ था। निकालो इसको, हटाओ। बढ़िया, अच्छा अंदर कहाँ से जाना है बे? I don't know you. What do you want? I'm Igor. Olga sent for me. Olga, some Igor jackass here to see you. You know this guy, or should I shoot him in the throat? It's fine. Open the gate, Marco. Okay, guys, we are finally at the base. मैं गेम सेव करने वाला हूँ, जैसा आपने सोचा होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं रैपअप कर रहा हूँ, तो हाँ मैं एपिसोड इधर रैपअप करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे पहले इससे बात करनी है, फिर अंदर जाके उल्गा से बात करनी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी, उसको कुछ टाइम लगेगा। तो एपिसोड फालतू में ज़्यादा बड़ा नहीं करते, यहाँ पे रैपअप करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में उल्गा से बात करेंगे, इससे बात करेंगे, एंड यहाँ तक आई है तो उल्गा मुझे लग रहा है हमें कुछ मिशन या समथिंग देंगी, तो वो भी करना पड़ेगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आज हमने बेसिकली जो रेड फॉरेस्ट एरिया है ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, काफ़ी लूट भी मिल गई है। टू बी ऑनेस्ट, मेरी इन्वेंट्री पूरी भर गई है, उसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न ये है, ये जो एक मैंने आर्मर उठाया और रिवॉल्वर है वो भरे पड़े। अगर मैं समो रिवॉल्वर को ऑटोमेटिक कर सकता था तो तड़ करके वही यूज करते थे सबको मानने। चलो कोई नहीं, एपिसोड रैप अप करते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।